गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज TWO तहसील वेलफेयर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है HPPSC के द्वारा करवाया गया, और ये इसका जो सॉल्वड क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि जो आने वाले समय में जो HPPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका लिंक मैं जो PDF है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है जो आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता है और इस पैटर्न को जो है वो देख सकता है। तो इसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में इसमें हिस्ट्री और दूसरे जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके वीडियो में आपके लिए जो है वो लेकर आता रहूँगा। तो जल्दी से चलते हैं। जो फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन PM स्वनिधि योजना के बारे में सही है? तो इसमें जो 1 और 2 जो ऑप्शन है वो इसमें सही है, तो इसका आंसर जो है वो ए आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अटल सुरंग के बारे में सही है? तो इसमें जो आपका 2 और 3 ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है। ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है और सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ देने के लिए जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होंगे, ग्रेड 5 तक के। इसमें 3 का ए ऑप्शन है। XOO संक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चावल में एक गंभीर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी के कारण बनता है। 1, 2, 3 और 4 इसके चारों ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ईबे बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ईबे बिल? तो ईबे बिल के बारे में कौन सी जो जानकारी है वो सही है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर A 1 और 2 जो ऑप्शन है वो इसमें सही है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय काम धेनु योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है वो सी है, 1 और 2 सही है। इसका उद्देश्य आधुनिक और वैज्ञानिक साधनों पर पशुपालन को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य मवेशियों की नस्लों का संरक्षण और सुधार करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत नेट परियोजना के बारे में सही है? तो काफ़ी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स टाइप में पूछे गए थे इसमें। इसमें आपका जो 2 और 3 जो ऑप्शन है ये इसमें सही आएगा। पंचायतों को सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ साथ द्वीप क्षेत्रों को चुना जाना, 2 और 3 इसका जो करेक्ट आंसर है। बनबंधु कल्याण योजना जो है आदिवासी के कल्याण के लिए है, 8 का वी ऑप्शन आएगा। 9 का आपका जो है द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 इज द हाउसिंग फॉर ऑल, एक बेहतरी शहरी भविष्य, इसका डी ऑप्शन आएगा 9 का। 10 आपका भारत के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार किस देश को प्रत्यागामी राज्य घोषित किया गया है? तो इसका 10 का ए आएगा, संयुक्त अरब अमीरात। किस देश को अगले वर्षों के लिए संयुक्त राज्य राष्ट्रीय निकाय कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS की अध्यक्षता मिली है? इसमें क्वेश्चन 11 का वी आंसर आएगा, इंडिया। 12 का, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्थन भारत यूरोपीय संघ फ्लैगशिप कॉल के बारे में सही है? तो इसका सी ऑप्शन आएगा, 1 और 2 दोनों ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपदा रोधी अवसंरचना CDRI के बारे में सही है? तो ये भी दोनों के दोनों करेक्ट है, तो इसका सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में किस दशक को स्वास्थ्य आयु का दशक नाम दिया गया है? 2020, 2030 वी इसका ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के न्यायालय ने सरकार को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? बांग्लादेश। 15 का सी आएगा। 16, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किस वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो ये है हेपेटाइट्स, इसका आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, 2 समान और विपरीत बल पर एक दूसरे को रद्द करते हैं, हालांकि
हालांकि कार्यवाही और प्रतिक्रिया जो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है एक दूसरे को रद्द नहीं करते हैं क्योंकि वे शरीर एक ही शरीर पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोलाइडल घोल में बिखरे हुए चरण कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण और माध्यम से गुजरने को के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर जो है वो बी होगा। 19, जब हम खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों में नमक डालते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ती हैं, इसके लिए कौन सी क्रियाविधि जिम्मेवार है? इसका आंसर वी होगा, 19 का बी। 20, अनुवांशिक प्रणाली सामग्री का आदान प्रदान होता है यौन प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका जो है आपका 20 का वी आंसर होगा। 21 का, व्हाट वॉज द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, तो ये हिस्ट्री यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन थे, रेवोल्यूशन था ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, एक्टिव रिफ्यूजल टू द ओबे सर्टेन लॉस डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी, गुलामी से मुक्ति चाहते थे अंग्रेजों की, तो ये सभी ऑप्शन इसमें आएंगे। 21, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी जो स्थापना थी रामकृष्ण परमहंस के नाम पे हुई थी 1897 में, इनके जो शिष्य थे विवेकानंद उन्होंने की थी। 22 का जो है वो आपका सी ऑप्शन आएगा, चारों के तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, ये बात करते थे विवेकानंद जी। इसके बाद आपका 23, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य को जिम्मेवारी स्वीकार की, चार्टर एक्ट अधिनियम में मशीनरियों को धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति दी गई थी, तो इसका 23 का आंसर एक और दो होगा। फिर 24 का सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला गया था, तो आप सभी जानते हैं मुस्लिम लीग पहले बनी, फिर जलियांवाला बाग हुआ, फिर आपका खिलाफत कमेटी बनी, जब आपका सिविल डिसऑबिडेंस ये चला, आपका मूवमेंट चला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके साथ साथ ये भी चला, तो इसका जो है फिर लास्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। 25 का, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नया संविधान जो है वो अपनाया गया था कार्य समिति के द्वारा? नागपुर अधिवेशन 1920, इसमें 25 का वी ऑप्शन आएगा। 26 जो है, निम्नलिखित को कौन सा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में गलत है? तो ये 22 को भी रखा गया था इंडिया में, विभाजन का प्रावधान इसमें किया गया था भारत और रियासतों को जो है वो किसी में भी वो मिल सकती थी, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए होगा, 26 का ए। सम्राट को कुछ समय के लिए वीटो इसमें नहीं दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नॉट इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वॉइस रहे थे इंडिया के, गवर्नर जनरल से, सॉरी 1833 का जो एक्ट आया था उसमें ये बात की गई थी, तो इसका जो आंसर होगा वो केवल बी इसका आंसर होगा, केवल दो है इसका। 1902 में फ्रेजर कमीशन जो है वो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था, 28 का बी आंसर होगा। 29, पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? तो डी इसका आंसर, आप सभी जानते हैं। 29 का डी, लाहौर अधिवेशन में हुआ था। लॉर्ड क्रॉस के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, इसमें भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो 1892 में आया था, इसके बारे में ये कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने हिंदू संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह विकसित किया? तो आर्य समाज ने तो नहीं किया, ये बंगाल से जुड़ा हुआ था, यंग जो युवा बंगाल आंदोलन था। अलीगढ़ आंदोलन जो है वो इसने भी हिंदू के खिलाफ ऐसा नहीं बोला कुछ भी। तो ब्रह्मो समाज जो है वो विद्रोह तो नहीं बोल सकते, एक रिफॉर्म लाने की बात कर रहे थे ये, ठीक है, तो इसमें ब्रह्मो समाज जो है वो आपका 31 का आंसर हो सकता है, ठीक है, तो ब्रह्मो समाज 31। 32, ईश्वर की अवधारणा जो है वो उपनिषद से ली गई राजा राममोहन राय के द्वारा, 32 का सी आंसर आएगा। 33 का, ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से धर्मसभा की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा, 33 का ए आंसर। 34, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया? ये एक्ट 50वां ए इसका आंसर आएगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ये हुआ था, एक्ट आया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण से संबंधित है, ग्रामर 35 का ए। 36 जो है वो धर्मसूत्र में कितने प्रकार के विवाह की बात की गई? तो 8 प्रकार के मैरिज की बात की गई है, 36 का बी। 37 जो है वो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट की बात करता है, राइट फूड की बात नहीं करता। 37 का डी आंसर होगा, कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन किसका समावेश नहीं है। बुलंदी बाग पुरातात्विक अवशेष जुड़े हैं, पाटलिपुत्र से जुड़े हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। 39 कि स्तूपा वास्तुकला में सोपानों का संकेत है, रेलिंग उसमें होती है, छतरियां भी होती है, वृत्ताकार पथ भी होता है, सीढ़ियां स्टेयर्स जो है, इसका वी आंसर आएगा।
40 आपका जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, आप सभी जानते हैं गुप्तों के टाइम का ही ये, 40 का सी आएगा। और संघीय शब्द लैटिन भाषा के शब्द फेदुस से लिया गया है जिसका अर्थ है कन्वेंट, ठीक है, नियम इसका आंसर है कन्वेंट। बी सी इसका आंसर आएगा 42। 42 का जो आंसर है संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सा कार्यात्मक वस्तुएं हैं, तो इसमें आपका 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 इसका जो है वो आंसर आएगा सी इसका आंसर है 43। कौन सा संविधानिक संशोधन बिल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है, 124 एक्ट, 43 का सी। 44 भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 44 का जो आपका आंसर आएगा वो बी आएगा। 45 भारत संविधान 74 संशोधन अधिनियम 1993 का उल्लेख की जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के कार्यों की बात करते हैं, 45 का जो है वो बी आंसर आएगा। 46 पॉकेट वीटो जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा यूज की जाती है, 46 का बी। 47 जो है पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो स्थायी निकायों को राजनीतिक शक्ति प्रदान करना था, इसका आंसर 47 का सी। 48 का जो आंसर है संसद के सदस्य की योग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकृत है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, 48 का ए। 49 राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान प्रदान करता है, तो आर्टिकल 275 इसका सी आंसर आएगा। 50 निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सही है, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द जो वो संयोजन डॉक्टर ML सिंघवी ने किया, लोकपाल और लोकायुक्त बिना किसी संविधानिक स्थिति के संविधिक निकाय है, वे एक लोकपाल का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ और संबंधित मामलों के बारे में के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों में पूछताछ करते हैं, 1, 2 और 3 इसका आंसर जो है वो आएगा, तो 50 का डी। 51 व्हाट इज ज़ेम, तो इसका जो आंसर है आपका वो ए आएगा, जन धन आधार मोबाइल, ठीक है। इसके बाद 52 भारत के थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सी वस्तु अधिक वजन है, इसमें खाद्य सामग्री। 53 ऊर्जा का उत्पादन परिवर्तन और उपयोग प्रमुख चिंताएं हैं, औद्योगिक गतिविधि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ए आएगा। 54 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभान्वित होता है, इसमें डेबिट इसका सी आंसर आएगा, 54 का सी। 55 इंडियन वेजेस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन स्तर की लागत, सी इसका आंसर आएगा 55 का। 56 CAPART इज रिलेटेड टू ये ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता और मूल्यांकन करना इसका काम है, तो 56 का ए आंसर आएगा। 57 EAS स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, रोजगार गारंटी योजना, 57 का बी। 58 भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः है कृषि क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर सेक्टर, 58 का ए आंसर। 59 का जो है नव उद्घाटित हेल्पलाइन उद्यमी मित्र सहायता के लिए है, ये है बी आपका आंसर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। 60 इसमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है, आर्थिक विकास का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 60 का सी आंसर। 61 भारत के संचित अंचलों में भूमि चराइता निम्न कारणों से खारा हो रही है, अधिक सिंचाई का उपयोग, 61 का सी आंसर। 62 बर्फीला तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आता है, वायुमंडलीय, 62 का ए। 63 हिमालय के किस भाग में हम करेवा पाते हैं, कश्मीरी हिमालय, 63 का सी आंसर। 64 निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है, तो नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी, 64 का सी। 65 द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, उड़ीसा से ये नहीं गुजरती है, तो 65 का जो है वो बी आंसर आएगा। 66 द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ये है आपका ए इसका आंसर आएगा, 97.25 ईस्टर्न। पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढलानों को भौगोलिक वर्षा क्यों होती है, ठीक है, ड्यू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ड्यू टू संवहन वर्षा के कारण, या इसमें जो आंसर आएगा आपका वो बी आंसर आएगा। 67 का बी। 68
टेक्टोनिक गतिविधि के कारण निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण हुआ है? भोलर झील 68 का सी आंसर 69। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है? इसमें ए आएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट 670। निम्नलिखित में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 70 का ए आंसर 71। स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी सेवाओं को बढ़ावा और अच्छी तरह से योजनाबद्ध रूवर्टन क्लस्टर बनाना ग्रामीण विकास मंत्रालय सरकार भारत सरकार ने कितने समूहों को एचपी के लिए स्वीकृत किया है? 06 समूह 71 का बी 72। सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? शिपकी के पास करती है, ये सब आप जानते हैं। 72 का सी आंसर है 73। कमेरी और चोली जोजी चंद्रू कमरबंद चालन या सुथन या और घास या पुआल से बना जूता हिमाचल प्रदेश के किस जनजाति की महिलाओं के पोशाक है? पंगवाल ट्राइब 73 का डी 74। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है? ठीक है, कौन सा ये मिलान सही नहीं है? इसमें आपका डी आंसर आएगा लंगधर्मा शादी का प्रकार है, झूरी बाग्य यंत्र किल पोशाक है, वांकियांग नृत्य है। ठीक है, तो डी इसका आंसर आएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला क्या है? एक खस स्टाइल आर्ट। सी इसका आंसर आएगा 75। निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में शाही संरक्षण प्राप्त हुआ? चंपा पेंटिंग को 76 का सी आंसर आएगा 77। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर डी आएगा 78 का जो है वो हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग निम्नलिखित में से किस कुक्कुट प्रजाति को की उन्नत नस्ल को प्रदेश से मैं लेकर आया है? तो यह है रोम्बुलेट, ए आंसर आएगा 79। निम्नलिखित संयोजनों का मिलान करें और गलत संयोजन का चयन करें, तो इसमें बी आंसर आएगा बुमखोर कृषि से संबंधित धार्मिक त्यौहार, बी आंसर। 80 शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट एजी वर्क ने लिखी है, आप सभी जानते हैं। 81 जो है इसको मिलान करना है आपका, तो इसका ए आंसर है, ए का सी है, दूसरे का जो है वो ए है, थर्ड का ई है और फोर्थ का जो है वो बी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 81 का ए। 82 सन 1857 के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस सीमा और किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया था? राजा शमशेर सिंह 82 का ए। 83 किस प्रादेशिक परिषद का नेतृत्व किया किसने जिसका गठन 15 अगस्त 1957 को हुआ था? करम सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया था 83 का वी। 84 हिमाचल प्रदेश के स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क लॉन्च करने के लिए राज्य बना था, पहला राज्य बना था 84 का ए। 85 HRMN 99 HP के प्रगतिशील किसान द्वारा निम्नलिखित फलों में से किसकी एक किस्म है? मैंगो 85 का बी। 86 निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन है? तो लाहौल स्पीति में है ये, तो लोसार आएगा इसका 86 का डी। 87 निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना की कल्पना करता है? तो रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है 87 का डी। 88 कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार कुल भू संपत्ति का कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के पास है? इसका 88 का ए आएगा। 89 एचपी के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अंगोरा खरगोश संवर्धकों को खरगोश प्रदान करने के लिए अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत है? तो इसका आंसर जो है वो सी आएगा, 89 का सी। 90 भारत सरकार ने एचपी को एक गोजातीय प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी है, परियोजना की केंद्रीय सहायता का पैटर्न क्या है? इसका आंसर आपका 90 का डी। 91 हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूविंग प्रोजेक्ट KfW बैंक जर्मनी की सहायता से एचपी राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों में लागू है? चंबा और कांगड़ा 91 का ए। 92 ग्राम पंचायत घर के निर्माण मरम्मत और उन्नयन के लिए 2.5 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष प्रति पंचायत को निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 50 ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं? तो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका जो आंसर होगा वो 92 का ए आंसर होगा। फिर 93 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का मुख्य घटक नहीं है? ठीक है, तो इसमें
ग्रीवेंसेस रजिस्ट्रेशन है, नागरिकों के सुझाव और मांगों को एकत्रित करना, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना, कौशल वृद्धि और नियुक्ति प्रदान करना। तो इसका डी आंसर आएगा, इसका डी इसमें नहीं है, बाकी सारे इसके जो है वो घटक है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते 94, निम्नलिखित में से कौन से कथन हिमाचल प्रदेश की बेटी है अनमोल योजना के बारे में सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 है, सी आंसर आएगा 94 का 3। इसके बाद आपका जो है 95, निम्नलिखित में से कौन से कथन हिमाचल प्रदेश के सौर सिंचाई योजना के बारे में सही है। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है, ये 95 का डी आएगा। 96, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के बारे में सही है। तो इसका जो आंसर है आपका 96 का ए आएगा। 1 और 2 दोनों इसके जो है वो करेक्ट है, 1 और 2 96 का ए। 97, निम्नलिखित में से कौन से कथन अटल स्कूल वर्दी योजना के बारे में सही है। तो 1, 2 और 3 इसके ये सारे के सारे जो है वो करेक्ट है। 98, हिमाचल स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1, 2, 3 तीनों के तीनों ये करेक्ट है, तो इसमें 1, 2 और 3। 99 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन हिमाचल प्रदेश की पंचवटी योजना के बारे में सही है। तो इसके 1 और 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर जो है वो 99 का ए। 100 का द स्कीम हैज बीन लॉस्ट, कि कौन से उसके लिए जो है वो डॉटर और फॉरेस्ट के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, एक बेटी एक बूटा नेम स्कीम है ये हिंदी में। तो इसमें ए आंसर आएगा, 1 और 2 इसका जो है वो आंसर है। तो आई होप इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे, और जो नए जो आने वाले समय में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको एक पैटर्न जो वो पता चल सके। और ये जो क्वेश्चंस था वो बीच का था, ना ही ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा ईजी था। तो जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।